हेलो दोस्तों, मैं साहू साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में, जिस स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस शेयर में कैसा रहेगा मोमेंट और आने वाले समय में कैसा रहेगा इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में चलते हैं, देखते हैं। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं जो इन्फोसिस का चार्ट ये खुला है। इन्फोसिस का चार्ट में देख रहे हैं पिछले तीन दिन से गिरावट है, लगातार तीन दिन से बड़ा गिरावट। 1850 को टच करके वहाँ से गिरावट होके 1700 के आसपास रुका है, यानी 150 पॉइंट का गिरावट ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ से कैसे रहेगा मोमेंट, इसी बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, पिछले जो कैंडल बनाया था जब ये 1500 के आसपास था, तो 1500 टू लेके 1800 के आसपास वहाँ से बहुत बढ़िया मोमेंट दिया है। तो जब फ्लैट पोजीशन दिया है 1500 टू 1800, टू मंथ्स फ्लैट पोजीशन के बाद वहाँ से एक बड़ा मोमेंट ब्रेकआउट दिया है, जो यहाँ पर देखने को मिलता है इस जगह पर। और यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद कम से कम या 150 पॉइंट यहाँ से ऊपर देखने को मिला, जो 1850 के आसपास वहाँ से बड़ा हाई बनाया है। तो यहाँ से निकलने के लिए आपको यहीं पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है 1700 के आसपास, यहाँ से इन्वेस्टमेंट करिए और यहाँ से बहुत बड़ा रैली हमको देखने को मिलेगा। तो ये 2000 के लिए टारगेट के लिए यहाँ से हम 1700 के आसपास यहाँ से मूवमेंट कर सकते हैं। तो 2000 टारगेट के लिए हमको कहाँ से इन्वेस्टमेंट करना है, कम से कम यहाँ 1700 के आसपास में इन्वेस्टमेंट करना है। 1700 के आसपास में अभी इन्वेस्टमेंट करिए और 300 पॉइंट का आप मूवमेंट देख सकते हैं। तो ये है इन्फोसिस शेयर। इन्फोसिस शेयर में एक खास बात है, जब इंडियन रुपीस कम हो जाता है तो डॉलर बढ़ जाता है, तो डॉलर बढ़ने के कारण इन्फोसिस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो बाकी शेयर गिर जाते हैं किंतु इन्फोसिस शेयर उसमें मूवमेंट आता है। तो इसी पोजिशन के हिसाब से इन्फोसिस इंडिया में और वर्ल्ड में भी ट्रेड हो रहा है, तो इसी वजह से यहाँ से 300 पॉइंट मूवमेंट हो सकता है। तो आप 1700 के आसपास में इन्वेस्टमेंट करिए, और अगर नीचे मिलता है तो और बढ़िया, नहीं तो 1700 के पास मूवमेंट करिए और 2000 टारगेट बनाए। ये रहा इन्फोसिस शेयर, कैसा लगा वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।